सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं कि अच्छे हैं दोस्तों, आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि आप लोग को ऑफलाइन टेस्ट देते समय किन किन बातों को याद रखना चाहिए कि आप लोग अपने स्कोर में अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर सके, साथ में गाइज अपने एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन कर रखे। तो गाइज, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग को बताते रहता हूँ कि हमें अलग अलग जगह से टेस्ट देके देखना चाहिए कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। हमें एक जगह पे टेस्ट देके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इतना इम्प्रूवमेंट हो सका है कि अभी मेरा 70 स्कोर आ रहा है, 80 स्कोर आ रहा है। ऐसा बहुत किसी का आता है, मेरा भी जैसे टेस्ट बुक में बहुत ज़्यादा स्कोर आता है, 70-80 आता है, आप लोग देखे ही होंगे क्योंकि मैं लगातार वीडियो पोस्ट करते ही रहता हूँ। तो चलो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले वाला वीडियो में कि प्लेटफॉर्म का टेस्ट थोड़ा सा हार्ड रहता है और आपको वो टेस्ट देके देखना चाहिए क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन लेवल रहता है थोड़ा हाई रहता है और उस टाइप का अगर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने सीख गए तो आप लोग एग्जाम में एकदम इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं गाइज। तो अगर अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास यार उसका टेस्ट सीरीज परचेज करने का पैसा नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपको वो टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे मिलेगा तो उसके लिए मैंने जो पहले वीडियो बना रखा है उसको ही आप लोग को जाकर देखना होगा। और क्योंकि अभी मैं बता दूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइज, और इसीलिए गाइज मैं उसका जो लिंक है वीडियो का मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली उसको देख सके और प्लेटफॉर्म का टेस्ट देके अपने स्कोर को इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और कर सके। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ तो इसीलिए गाइज मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं PDF से टेस्ट देके देखता हूँ। तो जब मैंने PDF से टेस्ट दिया गाइज तो मुझे यार ध्यान में आया कि इसको लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि अगर कोई भाई लोग ये सारी गलती कर रहे हैं तो वे ये सारी गलतियों को ना करें ताकि वे अपने स्कोर में अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो गाइज, मैंने किस तरीके से टेस्ट दिया और आप लोग को किस तरीके से टेस्ट देना चाहिए मैं यही बताने वाला हूँ गाइज। तो आप लोग अगर ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो मोबाइल PDF से दे रहे हैं या फिर कोई बुक से दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले गाइज इस तरीके से एक पेज को ले लेना है गाइज, इस तरीके से पेज को लेना है। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपके फ़ोन पे करना है। क्या करना है, आपको फ़ोन पे आपका टाइमर जो एप्लीकेशन है उसको ऑन करना है, यानी कि जो आपका घड़ी है उसको ही क्लिक करने से जो टाइम दिख रहा है ना आपका फ़ोन के होम स्क्रीन पे, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें आप लोग को टाइमर पे जाना है, ठीक है। टाइमर पे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग का वहाँ पर आपको सबसे पहले तो टाइम सेटिंग कर लेना है क्योंकि आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम को आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि टेस्ट दे रहे हैं और पता चलता है कि 1.5 घंटे का टेस्ट वो 2 घंटे तक दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज। आप लोग को पहले मोबाइल के एप्लीकेशन पर जाना है और ये जो टाइमर है इसको पहले ऑन कर लेना है। अगर आप लोग कोई बुक से दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन पर जब दिखते रहने से डायरेक्ट आप देख भी पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग फ़ोन से ही दे रहे हैं, जो फ़ोन से आप लोग टाइम सेट कर रहे हैं उसी फ़ोन से PDF से टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप लोग ऑन कर लीजिए और उसके बाद जो बीच वाला बटन है उसको क्लिक करके काट दीजिए। आपका जो PDF है जहाँ पर आप उसको जाके ओपन कीजिए, लेकिन आपको जब ऊपर से ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग को इस तरीके से टाइम दिखते रहेगा। तो आप लोग को वो टाइम ध्यान में रखना है कि आपको इस टेस्ट को टाइम के अंतर्गत ही पूरा करना है। और हाँ गाइस, जब आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन में जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो एक ही क्वेश्चन दिखता है, बट जब हम लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें एक ही साथ में बहुत सारा क्वेश्चन दिखता है, उसमें भी हमारे टाइम का बचत होती है। इसीलिए हमें 1.5 घंटे का टेस्ट अगर हम ऑफलाइन दे रहे हैं तो उसको हमें 1 घंटा 15 मिनट में ही कम्प्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि 15 मिनट जो है हमें एक्स्ट्रा उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब हम लोग कोई ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसमें हमें एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन दिखेगा, साथ में उसको नेक्स्ट करने में प्रोसेसिंग जो टाइम है उसमें बचत हो रही है। इस कारण से उसमें जब हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो वो टाइम लगेगा, इस कारण से हमें इसमें 15 मिनट पहले टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करना गाइज, ताकि तब जाके हम लोग का जो टेस्ट है वो सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो गाइज, जैसे कि आप लोग को ये पेज ले लेना है और उसके बाद आप लोग को क्या क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिए। पेज में आप लोग को पूरा 1 से लेकर 100 तक, जिस तरीके से आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो, 1 से लेकर पूरा 100 तक लिख लीजिए गाइज पूरा नंबर को। उसके बाद आप लोग उसके दाहिने साइड में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के रखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को आंसर लिखना है। उसके बाद नीचे में गाइज रिजल्ट बोल के लिखिए
जैसे कि दिख रहा है, रिजल्ट में आप लोग को क्या क्या लिखना है, जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो किस तारीख को टेस्ट दे रहे हैं, जैसे आप लोग टोटल अटेम्प्ट कितना किए, राइट क्वेश्चन कितना हुआ, रॉन्ग क्वेश्चन कितना हुआ, रो मार्क आपका कितना आया, आपको टाइम कितना लगा, तो ये सारे चीज गाइज लिख के रखना है। क्यों लिख के रखना है गाइज, क्योंकि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, आप लोग डेली बेसिस पे टेस्ट देंगे या फिर एक दिन छोड़ के टेस्ट देंगे या सप्ताह में दो तीन टेस्ट देंगे, तो आप लोग जितने भी टेस्ट देंगे अगर आप लोग इस तरीके से लिख के रखेंगे तो आप लोग को जो है उसका रिपोर्ट यानी कि चेक करेंगे जब आप लोग कुछ दिन बाद कि हमारा स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, तो आप लोग इजिली देख सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से आप लोग टेस्ट देंगे, ऊपर में जैसे लिखा हुआ कि ये प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 2 है, तो मैंने आपको 2 का PDF प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, या फिर आप लोग को कैसे मिलेगा जो न्यू लोग है आप लोग उस वीडियो को देखने से आप लोग पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे कि लिख के रखेंगे, फिर तीसरा नंबर देंगे, चौथा देंगे, फिर जो है उस पेज को जो भी आप लोग दे रहे हैं उसको एक जगह पे कहीं पर ऐसे पिन करके रख लेना है, ताकि आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं कि टेस्ट नंबर 1 में मेरा इतना स्कोर आया था, 2 में इतना आया था, 3 में इतना आया था, 4 में इतना आया था। तो चलिएगा, जैसे कि मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फिर मिलाया क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है कौन गलत है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने राइट दिया, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ रॉन्ग दिया, फिर उसको मैंने इस तरीके से अलग अलग पेन से मैंने उसको राइट किया, राइट को राइट किया, गलत को गलत कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग भी कीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग का वहाँ पर टोटल रिजल्ट भी लिख लेना है, लिख लिया आप लोग का इतना स्कोर आया, जैसे मैंने गाइज, हाँ गाइज, और मैंने जो प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 2 है वो मैंने PDF से लगाया, और आप लोग देख सकते हैं मेरा स्कोर इतना आया इसमें गाइज, मेरा जो स्कोर है वो मैंने कुल इसमें 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 79 में से गाइज मेरा कुल क्वेश्चन कितना, मेरा 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, जिस कारण से गाइज मेरा स्कोर जो है वो 71 बना, बट जो मेरा 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसमें मेरा जो नंबर कटा 2.6, जिस कारण से मेरा रो मार्क 68.34 बना। लेकिन गाइज एक मिनट, जब मैंने टेस्ट को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो प्लेटफॉर्म की तरफ से 2 क्वेश्चन रॉन्ग था, यानी कि मेरा अगर कुल रो मार्क बोले तो 70.34 आया गाइज, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन सही दिया था बट वहाँ पे ऑप्शन में गलत है। कौन सा क्वेश्चन गलत है मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग था, बाद में जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो देखा कि ये क्वेश्चन मैंने सही अटेम्प्ट किया था बट उनकी तरफ से डिफॉल्ट रॉन्ग था, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग जाके इस तरीके से टेस्ट देंगे और आप लोग का स्कोर में अच्छा से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं अगर आप लोग को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए गाइज, क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा इस तरीके से मदद करने वाली वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप लोग अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सके। और साथ में गाइज हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि जैसे मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, मेरा गाँव का और कोई लड़का तैयारी नहीं करता, मैं खुद कर रहा हूँ अकेले, और मैं कहीं कोचिंग नहीं करता, मैं खुद से सेल्फ स्टडी से तैयारी करता हूँ। तो जैसे कि टेस्ट देते समय बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारा गलत अटेम्प्ट हो जाता है, मैथ का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी अलग क्वेश्चन हो, उसके बाद वहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ रहता है वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं गाइज उसका फोटो खींच के हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं, जो कोई भी लड़का वहाँ पे उनको जो जिसको भी क्वेश्चन आता है वो उसको बना के फिर उसका सोल्यूशन भेज देते हैं। अगर आप लोग भी इस चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एकदम जुड़ना ही चाहिए भाई, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से बहुत सारा क्वेश्चन का जो कन्फ्यूज रहते हैं वो आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके जुड़ जाइए, ठीक है गाइज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने स्कोर को इम्प्रूवमेंट कीजिए, और इस बार सिलेक्शन लेना ही है गाइज, इस बार सिलेक्शन पक्का करना है। तो गाइज जाते जाते बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।